ये टोटल ट्रीटमेंट फ्री होगा, यहाँ पे सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, काफ़ी सारे टेस्ट फ्री होते हैं। और इस मोहल्ला क्लिनिक से लगभग लगभग हमारे बदरपुर की काफ़ी पब्लिक को, क्योंकि पहले एक बगल में एक डिस्पेंसरी थी, मोहल्ला क्लिनिक थी, इसमें किसी कारण से बिल्डिंग में तरेर आ गई थी तो उसको बंद कर दिया था। रेंट के लिए भी हम काफ़ी देर से ट्राई करते रहे, कहीं रेंट पे भी चला रहे थे, लेकिन अब ये सफिशेंट है, स्पेस भी काफ़ी है और लगभग लगभग यहाँ की आवाम को वो काफ़ी राहत मिलेगी इसके खुलने से। सर, बदरपुर के अंदर अभी कितनी और मोहल्ला क्लिनिक खोली जाएंगी, क्या कितना प्लान है? खोली तो 12 जाएंगी, लेकिन अभी हमारे पास दो तैयार हैं, एक बिलासपुर कैंप में और एक गौतमपुरी में, उस पर भी काम चल रहा है। बस अब कुछ अड़ंगे लगते हैं कुछ राजनीतिक सिस्टम से, तो देखते हैं कितना जल्दी होता है। सर, आम आदमी पार्टी द्वारा अब तक दिल्ली में टोटल कितनी मोहल्ला क्लिनिक खोली गई हैं? मेरे हिसाब से तो एक हज़ारों के करीब हम खोल चुके हैं और अभी और 1000 पाइपलाइन में हैं, बशर्ते उसको हर चीज़ के लिए हमारी फाइल एलजी तक होती है, तो एलजी साहब अगर उनको डिले करते हैं तो डिले होता रहता है। अब हर वार्ड के अंदर एक एक मोहल्ला क्लिनिक या बल्कि तीन तीन मोहल्ला क्लिनिक की योजना थी हर वार्ड में खुलने की, बशर्ते यही कारण रहे कि एलजी साहब के पास फाइलें जाती हैं, एलजी साहब किसी दूसरे के इशारे पर काम करते हैं, अधिकारी बहुत मेहनत से तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। आज हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर मेरे हमारे देश में नहीं बल्कि और बहुत सारे देशों में दिल्ली का नाम है, दिल्ली की सरकार का नाम है। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए विदेशों तक के राष्ट्र प्रतिनिधि आए हैं और उन्होंने सराहा है कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक विदेशों में भी होने चाहिए। जिस चीज़ से देश का नाम होता है उन चीज़ों पे भी अड़ंगा लगाया जाता है, तो ये दुर्भाग्य की बात है दिल्ली की आवाम के लिए। मैं भी मोहल्ला क्लिनिक जो एक आम आदमी की सुविधा के लिए एक विधायक जी और हमारी दिल्ली सरकार ने बनाया है, इस मोहल्ला क्लिनिक का पूरा देखेंगे, फुली एसी है, हर तरह की जो दवाई है, जो भी जनरल रिलेटेड दवाई है वो सारी, और जितने भी टेस्टिस हैं, जो भी टेस्ट नॉर्मल टेस्ट जितने भी होते हैं सारे जो यहाँ हमारे फ्री होंगे, तो इससे हमारी जो आवाम है इसको जो है बहुत, जो आसपास की आवाम है और जो भी आम आदमी है उसके लिए बहुत इसको फ़ायदा होगा। सर, जैसे कि यहाँ पे मोरबंद पार्ट में खुली है ये, तो ये सिर्फ मोरबंद पार्ट के लिए है या आम आदमी के नहीं, लिए नहीं मैम, ये आम आदमी के लिए है। वार्ड के तो ये है, जो आसपास जो जितने भी लोग रहते हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही, उसके अलावा जो भी आम आदमी है इसमें सबको बेनिफिट मिलेगा। ये विधायक जी की एक बड़ी अच्छी पहल है और इसको आप देख रहे हैं फुली एसी है, हर तरह के जो है टेस्ट फ्री हैं, तो इसमें जो आवाम को बहुत अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे बराबर में डिस्पेंसरी हुआ करती थी जो पहले बंद कर दी गई है, क्या कारण था कि वो डिस्पेंसरी आप बंद कर दी गई? देखिए, उसका मेन कारण था कि जो बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई थी, नीचे बेसमेंट में पानी उसमें भर जाता था, उसके कारण से वो कभी भी जो है गिर सकती थी, और जहाँ जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जान की जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा गंभीर होता है, तो इसलिए उसको बंद करके उसी के इसलिए बगल में जो है विधायक जी के द्वारा ही मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। देखो मैम, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे क्यों हम अभी अभी RWA की जिम्मेवारी हमारे ऊपर आई है, अभी पिछले दिनों कुछ मतलब वो हमारे RWA के चेयरमैन सुखराम यादव जी हैं, हमारे महावीर जी, ये सेक्रेटरी हमारे विजय माथुर जी और सभी भाई जितने भी हमारे RWA के नई टीम आई है, वो विधायक जी के साथ में, दिल्ली सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलके चलेगी। और ये जो स्वास्थ्य, हम तो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य का प्रतीक मोहल्ला क्लिनिक सबसे ठीक, इसके अंदर जितने भी यहाँ हमारे गरीब आदमी बहुत ज़्यादा इस बस्ती में रहते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा नहीं उठा सकते, उसमें अपोलो जैसे हमारे नज़दीक हॉस्पिटल हैं लेकिन हर आदमी नहीं जा सकता, ये मोहल्ला क्लिनिक का इतना फ़ायदा है। पहले ये कहीं किराए की बिल्डिंग में मोहल्ला क्लिनिक था, वहाँ किसी कुछ दिक्कत होती थी, लेकिन ये सरकार ने अपना बनाया है और ये जो हमारे यहाँ के, हम खुद किस्मत हैं जो हमें विधायक यहाँ नारायण दास शर्मा जैसे मिले, निस्वार्थ सेवा करते हैं और दिल्ली सरकार का जो मिशन है उसको आगे से आगे ये बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और एक मोहल्ला क्लिनिक ही नहीं, यहाँ चाहे वो नाले का काम हो, सीवर का काम हो, बिजली का काम हो, इतने सब लोग बैठे हैं, खड़े हैं, आज तक इतना बिजली पानी का जो सुविधा हमारे एरिया में है ये कभी पहले इतनी नहीं हुई है। और जो स्वास्थ्य के बारे में अभी जो दिल्ली सरकार सोचती है बहुत बढ़िया कर रही है,
और हम इससे बहुत संतुष्ट हैं। और हम अपने RWA की तरफ से, मोहल्लाबंद एक्सटेंशन जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी तरफ से दिल्ली सरकार को, सभी मोहल्ले वासियों को इस मोहल्ला क्लिनिक के खुलने पे, इसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं और हम इसी तरह ये जगह जगह स्वास्थ्य क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक खोलते। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खुला, क्योंकि हमारे नारायण दत्त शर्मा जी ने, हमने हमारी डिस्पेंसरी थी वो बंद हो गई थी, उसमें पानी भरा रहता था, वो कहने लगे डॉक्टर लोगों ने कहा कि हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमें खतरा है। तो हमारे नारायण दत्त जी ने जो है, शर्मा जी ने जो है, ये अपने प्रयास कि हाँ मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए और यहाँ पे उस डिस्पेंसरी में 500 पेशेंट रोजाना देखे जाते थे, आज भी देखो कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जो बीमार हो जाते हैं वो मीठापुर जाते हैं या फिर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, अस्पताल में पहुँचते हैं। ये सभी को प्रसन्नता हो रही है आज, अभी हम और वो बताएंगे तो यहाँ पे तो लंबी इतनी लाइन लग जाएगी, हालांकि छोटी जगह है ये, लेकिन मैं प्रार्थना करूँगा कि इसको और थोड़ी सी बड़ी करें ताकि यहाँ हमारी जनता बैठ भी सके, अपना इलाज करा सके। बहुत फ़ायदा है जी, हमारे यहाँ बगल में तातपुर पहाड़ी है, यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, इनके बच्चे और हमारी स्कूल साथ है, दो स्कूल हैं, इनके बच्चे कभी भी बीमार हो जाएँ तो यहाँ नज़दीक ये डिस्पेंसरी खोलने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे विधायक ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, और भी कई क्लिनिक खोलने वाले हैं हमारे विधायक जी, और ये बहुत ही अच्छा काम है आम पार्टी का, इसमें विदेशों तक भी इसका अच्छे बता रहे हैं। इसमें सीरी आम आदमी, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी खुली है, हर इंसान यहाँ दवाई ले सकता है, गरीब आदमी दूर नहीं जा सकता, ऑल इंडिया मेडिकल बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, हर आदमी यहाँ आकर फ्री में दवाई ले सकता है। हमारे विधायक साहब ने ये बहुत बढ़िया काम किया है, जो ये आम क्लिनिक मोहल्ला ये खोला है, इससे आम गरीब आदमी को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, फ्री में दवाई मिलेगी, आने जाने का किराया बचेगा। ये बहुत बढ़िया योजना है और हमारे जो MLA साहब हैं उन्होंने पूरे एफर्ट्स करके ये काम कर दिया है, और इस यहाँ की जनता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यो हमें ये व्यवस्था मिल गई। गरीब आदमी इसमें सब लाभ उठाएंगे, कोई भी ऐसा लोग, बड़े बड़े लोग तो जो हैं वो चले जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, छोटे आदमी जो निम्न वर्ग के हैं वो नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये जो व्यवस्था हुई है उनके लिए मैं MLA साहब को लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और पूरे एफर्ट्स करूँगा, मैं भी कोशिश करूँगा, मैं यहाँ एसोसिएशन में हूँ, तो जो भी व्यवस्था होगी हम अपनी तरफ से भी पूरी व्यवस्था करेंगे। विकास के लिए लगातार अग्रसर बदरपुर पंडित नारायण शर्मा द्वारा विकास की कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जो मोहल्ला क्लिनिक द्वारा, इससे ये साबित होता है कि पंडित नारायण शर्मा जी बदरपुर के चन्नू विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और ये कार्य एक आम पब्लिक के लिए महत्वपूर्ण कार्य सत्येंद्र जैन द्वारा और यहाँ के पंडित विधायक शर्मा द्वारा कराया गया है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रहा है कि केजरीवाल जी हमारा विधानसभा में इतना बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं, बहुत उनको लिए मेरे दिल से कोल्डली मैं थैंक यू बोल रही हूँ। ये मोहल्ला क्लिनिक ये समझ लो एक वरदान है पब्लिक के लिए, अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा है। सर यहाँ पे जो दवाइयाँ वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या कॉस्टली? फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सफदरजंग जाने से प्रॉब्लम होती थी लोगों को, यहाँ पे क्या है इस एरिया में कोई भी हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी नहीं था, इसके खुलने से लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ है, वो आते हैं दवाई लेते हैं, और काफ़ी ऐसा है कि जो रेगुलर पेशेंट है जैसे डायबिटीज़ वगैरह के, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया ये कि उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, दूर नहीं जाना पड़ता, उनकी दवाई यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसलिए केजरीवाल जी जो बनाए इसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू केजरीवाल जी को हम देते हैं, हमारे लिए ये बहुत बहुत बड़ा सुविधा कर दिया। बहुत अच्छा हुआ जो क्लिनिक मोहल्ला खुल गया है, दवा सबको फ्री मिलेगी, कोई हो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए है, सारे चेकअप फ्री है, दवा भी फ्री है, और आकर दिखाएं दवा लें जी। हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खुली है, बहुत अच्छी खुली है ये, और इससे हमारे पास में कोई क्लिनिक नहीं थी, मीठापुर जाना पड़ता था, और बहुत बढ़िया है जी।